दोस्तों कैसे हैं सब दोस्त, कैसे हैं सब भाई। इंशाल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। ले जी दोस्तों, आज जो मैं आपको कबूतर का शौक करवाने लगा हूँ ना, माशाल्लाह घर का ही बच्चा है और पैंती वाली मादी और टैडी नर जिसका बच्चा मैंने आपको पीछे भी दो तीन दफ़ा वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि सिर्फ दो कली का बच्चा मेरे पास पाँच पाँच छः छः घंटे उड़ने लग गया था खपड़ डला हुआ, तो कमाल रिजल्ट दिया है। ये उसी का भाई है, लगती फीमेल थी लेकिन निकला पट्ठा है माशाल्लाह, बड़ा ही शानदार निकला है और बड़ा ही शानदार इसने रिज़ल्ट दिया है। आपको मैं इसके शौक करवाऊंगा। अभी ये सातवीं कली तक उड़ा है और आठवीं पे मैंने इसको रोक लिया था क्योंकि अब ज़रूरत नहीं थी, आगे जेट स्टार्ट होना था और ये सर्दियाँ जनवरी में बच्चा मेरे पास पला है और कमज़ोर पला था। आहिस्ता आहिस्ता सेहत पकड़ते पकड़ते और मैं चेक करता हूँ कमाल कर दिया है। मेरी आँखों के सामने ये सुबह से लेके और शाम तक 11.5 घंटे तक विसाख में मेरी आँखों के सामने सात कली का ये बच्चा उड़ा है और कमाल परफॉर्मेंस दिया, कमाल रिजल्ट दिया और सारा दिन मेरी आंखों के सामने रहा, हिट्टे मारता रहा जी, जीरो हो जाना है, आधे में आ गया, नीचे आ गया और लाखा जो मेरा नर पट्ठा था जो इसी तरह उठता था वो भी इसी का भाई था, लेकिन उसका बाप लाखा नर था, इसका नर बाप जो वो टैडी है और शास्त्री के पट्ठे का आगे वो पैंती वाली के साथ क्रॉस करके फिर ये पट्ठा निकला शानदार। इससे भी पहले सबसे पहले जिन दोस्तों जिन भाइयों ने यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी हम कोई वीडियो बनाएं तो हो सकता है कोई ना कोई अच्छी वीडियो आपको ज़रूर लगेगी इंशाल्लाह, इंफॉर्मेटिव बात आपको बताएंगे उसमें। और अपने परिंदों का उसी का मैं शौक करवाता हूँ कि जो सुबह से मेरे पास शाम तक उड़े होते हैं या बच्चे कलियों में मेरे पास बहुत शानदार रिजल्ट दिया होता है, तो उन्हीं का मैं अपने दोस्तों भाइयों को शौक करवाता हूँ। आए दोस्तों इसका मैं आपको शौक करवाता हूँ। नहीं दोस्तों ये इसका फुल व्यू है, पहले मैं आपको फुल व्यू उसका दिखा रहा हूँ और टेल भी ये नहीं निकाल रहा है, बिल्कुल बन टेल का है, सिंगल लंगोड़ का है ये बच्चा। ये देखिए सिंगल लंगोड़ का ये बच्चा है, दुम भी सारे पार नए निकाल रहा है और बड़े पार भी इसके जो मैंने खींच दिए थे क्योंकि इसको फिर मैंने रोक लिया था, और माशाल्लाह कमाल का ही पट्ठा है। ये देखें ये इसकी आइज़ का शौक करें, माशाल्लाह बहुत ही आउटलास्ट ज़बरदस्त और शानदार बच्चा है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार इसने रिज़ल्ट दिया है। 10 से 11, 11.5 घंटे तक सात कली का ये पट्ठा मेरी आंखों के सामने उड़ता रहा और इतना इसने मुझे शानदार रिज़ल्ट दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये भी नहीं है कि गायब हो के, नहीं, बंद हो के निकल के बंद हो के हिट्टे मारता रहा और मेरी आँखों के सामने उड़ता रहा। और ये देखिए ये इसके परों का जो है ना, अभी ये 9वां 10वां मैंने इसके खींच दिए थे वो आ रहे हैं और बाकी ये पर देखे जी, और ये बगल के भी इसके सारे जो पार है ना ये सारे जो है अभी ये झाड़ है वन बाय वन करके ना, तो मैंने कहा कि खुद झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद इसको झाड़ रहा है। और ये देखिए कमाल की पार है और इतना मुलायम और इतना प्रेल है, मैं कहता हूँ क्या बात है। पंजे देखें जी, पंजे बिल्कुल बोतल में पीछे मुड़े हुए और जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि जी शेप बनाई होती है पंजों की, और ये हड्डी पूरी बड़ी कश्ती नुमा हड्डी है और जोड़ भी इसके बिल्कुल ऐसे तंग से हैं और बहुत शानदार। ये देखिए जी ये इसका फील्ड व्यू है माशाल्लाह, और रिजल्टेड है इसके जो अगले बच्चे दिए हैं निकले हैं वो उन्होंने इससे भी शानदार अच्छा रिजल्ट दिया। एक बच्चा मेरे पास है और एक ज़ाया हो गया, तो वो रात रह गया तो किसी के हत्ते चढ़ गया, किसी ने पकड़ लिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार पट्ठा है। ले दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये पट्ठा आपको कैसा लगा है, मैंने इसका आपको परों का भी शो करवाया है और इसके बंदिश अंतर सब कुछ क्लियर दिखाई है और ये माशाल्लाह बहुत ही रिजल्टेड और शानदार पट्ठा है। ये ऐसा पट्ठा है कि अगर बैसाख में अच्छा मौसम है ना, टेम्परेचर पड़ भी रहा है 36-37 टेम्परेचर पड़ भी रहा है तो भी ये किसी चीज़ की बगैर से दाने पानी के ऊपर ये आपको शाम की परफॉर्मेंस दे सकता है। और जैसे जैसे बड़ा होगा तो फिर ज़ाहिर बात है इंशाल्लाह 10 साफ करेगा, सीज़न पलटेगा तो फिर ये हमें जेड के अंदर भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाएगा और सेकंड टाइम की इसकी परफॉर्मेंस होगी, ये इंशाल्लाह उड़ के ही बैठेगा जब भी उड़ेगा। और क्योंकि इसकी भी आदत है उड़ते सार आसमान में ज़ीरो हो जाता है और जो ज़ीरो होते हैं कबूतर वो टाइम मारते ही मारते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं आपको। नहीं दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो को लाजमी शुरू से आखिर तक देखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।